हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं टेक दिलीप। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से फेसबुक अकाउंट बन गया है और आप चाहते हैं कि उस अकाउंट को डिलीट करके नया अकाउंट बनाएं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक ओपन कर लेना है। ऊपर आप लोगों को 3 लाइन्स दिखाई दे रही होगी, 3 लाइन्स पे क्लिक कर लेना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को नीचे आ जाना है। यहाँ होगा सेटिंग, तो सिंपली आप लोगों को सेटिंग के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएगी, तो सिंपली आप लोगों को पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, उसके सामने होगा एडिट का बटन, एडिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो सिंपली आप लोगों को इस बटन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू का बटन होगा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को कोई एक रीजन दे देना है आप अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ मैं किसी एक पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपने इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो वीडियोस अपलोड की है, आप लोगों ने जो फोटोज अपलोड की है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को नीचे आ जाना है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। और नीचे आना है आप लोगों को, नीचे नीचे आप लोगों को एक बटन दिया गया होगा जिसपे लिखा होगा डिलीट अकाउंट, तो सिंपली आप लोगों को डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो मैं डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आप लोगों को अपने फेसबुक का पासवर्ड लिख लेना है, तो मैं यहाँ अपने अकाउंट का पासवर्ड लिख लेता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे आप लोगों को कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ कहा जा रहा है कि आपका अकाउंट 30 दिन के बाद परमानेंटली डिलीट किया जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, टेम्परेरी डिलीट होगा। तो सिंपली आप लोगों को नीचे डिलीट अकाउंट का बटन दिखाई देगा, डिलीट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं डिलीट अकाउंट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हो हमारा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, मतलब कि डिलीट हो चुका है। अगर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, बट 30 दिन के लिए, 30 दिन के बाद आप लोगों का अकाउंट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। शुक्रिया।